बहुत ज्यादा हो गई है ठंड और आज मैं फिर से आ गई हूँ बरेली चाय वाली के पास चाय पीने के लिए। तो ये बरेली की फेमस चाय वाली है जो कि 18 इयर्स की है और अर्बन हार्ट के बाहर लगाती है अपना चाय का स्टॉल। देख सकते हैं सामने आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके जस्ट सामने ये है बरेली चाय वाली। ये अर्बन हार्ट के जस्ट बाहर है, वो रोड जो आ रही है वो शामतगंज से गांधी उद्यान के लिए है और आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो चलिए एक चाय बनवाते हैं। हेलो रजनी, तो कैसी हो? अच्छी हूँ। तो कैसा चल रहा है रजनी, अभी आपका लगभग 3 महीने हो गए ना स्टॉल ओपन हुए, तो कैसा चल रहा है अभी? मैम बीच में तो काफी अच्छा मेरा चल रहा था, बट एक दिन के लिए मेरा काउंटर हटवा दिया गया था। हटवाया क्यों गया? मैम एक्चुअली यहाँ पर मेरी कंप्लेंट्स की जा रही थी कि यहाँ ट्रैफिक लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत कस्टमर रहते हैं यहाँ पे, इस वजह से मेरा काउंटर हटवा दिया गया था कंप्लेंट्स कर करके। बट अब मैंने ट्रैफिक के लिए स्पेशली मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है कि मेरे यहाँ अगर गाड़ियाँ ऊपर टाइम में लगी होंगी तो मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। हाँ, मैं खुद लगवाऊंगी मैम, मैं लगवाती भी हूँ गाड़ियाँ सारी, इसी वजह से काफी मेरी सेल पे इफेक्ट पड़ा है। सेल कम हो गई है आपकी? यस मैम, काफी हो गया है। हाँ क्योंकि अच्छा काउंटर तो और भी लगे हुए हैं, तो उन काउंटर्स को नहीं हटवाया गया क्या? मैम ये तो बाद में लगे हैं, ये सब बाद में लगे हैं, मेरा काउंटर हटने के बाद लगे थे। अच्छा ये बाद में लगे हैं तो अब और मैम मतलब जानबूझ के ये कराया गया था क्योंकि मैंने ये चीज देखी थी जब मेरा काउंटर लगा हुआ था, तो जब नवो लोग आए थे तो इन लोगों ने काउंटर अपने हटा लिए थे। अच्छा हटा लिए थे, अब तो लग गए फिलहाल इन लोग के लगे हैं। तो फिलहाल अभी रजनी जो है वो चाय बना रही है और अभी उन्होंने सैंडविच वगैरह रख लिया, बीच में मैगी भी रखी थी वो हटा दिया आपने? हाँ मैम हटा दिया, बट यही बना रही हूँ मतलब बैठने के लिए। मैंने जैसे लेडीज आती हैं, हाँ, और यहाँ के टीचर्स वगैरह आते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता मैम क्योंकि हम लोग तो खड़े हो सकते हैं, हाँ, बट वो लोग आराम से बैठ के खा सकते हैं। जैसे पिछली मैंने टेबल लगाया तो मुझे कुछ बड़ा नहीं करना था, हाँ, क्योंकि काम तो मैं इस पे भी कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो वो लोगों ने मतलब उन्हें लगा कि मैंने बढ़ाया है अपना काम, इसलिए मेरे स्टूल्स भी वो लोग उठा के ले गए थे और टेबल भी मैंने फिर इसलिए हटा दिया। मैंने कहा मैम मेरा नुकसान हो रहा है, इतना कमा नहीं पाऊंगी तो उतना नुकसान हो जाता है। और ये आप क्या पीतल के भगोने में बनाते हो? हाँ मैम पीतल के भगोने में। भाई पीतल के भगोने में चाय बनाई जा रही है, तो काफी 3 तरीके की चाय मिलती है आपके यहाँ? मैम मैंने अभी एक 3 फ्लेवर और ऐड कर दिए। कौन कौन से? एक इलायची, दूसरा चॉकलेट और एक केसर। इलायची चॉकलेट और केसर, 3। और 3 पहले से थे, रोज था आपका, पान था। और मैम मैं टोटल बता रही हूँ स्टार्टिंग से, मेरे पास कितने फ्लेवर, बस पान है, मसाला है, गुलाब है, ये तो स्टार्टिंग से थे, बट अब स्टार्ट हो गए पान, मसाला, गुलाब, इलायची, चॉकलेट और नॉर्मल चाय। और नॉर्मल चाय, तो नॉर्मल चाय कितने की है? मैम नॉर्मल तो 10 रुपए की है। नॉर्मल 10 रुपए, मैंने रेट किसी का नहीं बढ़ाया, बट एक्चुअली जो ज्यादा महंगी आ रही है पत्तियाँ उनका, बस केसर चाय का 25 है और चॉकलेट का 20, उसका भी 25 है, बाकी सब 20 की है। ठीक है, तो आप लोग भी आए भाई, ठंड का मौसम है, बरेली चाय वाली की चाय पीने आए। चाय वाकई में बहुत स्वादिष्ट है और आप देख सकते हैं जैसे कि पीतल के भगोने में चाय बनाई जा रही है, तो हम अपनी चाय एंजॉय करने जा रहे हैं और आप लोग आए बरेली चाय वाली के पास, इनको सपोर्ट करें। मम्मी भी रहती हैं इनकी, वो मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी भी रहती हैं। जब से उन्हें ये चीज पता चली यहाँ पे लोग परेशान करना स्टार्ट हुआ है, तब से मम्मी मेरी कंटिन्यू आ रही है। थैंक यू सो मच रश्मि। ओके, तो आप लोग भी आ सकते हैं, हम हैं अर्बन हार्ट के बाहर जस्ट, और ये है बरेली चाय वाली।